से वकालत कर रहे हैं और बहुजन समाज की बात को भी करते हैं। जैसे अभी कोई फाइल मेरे को नहीं लगता कि आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कोई फाइल मिस होती होगी, और फाइल मिस होने की बात करी जाए तो डिफेंस की फाइल अगर मिस हो जाती है, जैसे अभी राफेल की फाइल मिस होने का बता रहे हैं, तो ये चोरी हो गई जैसी चीज़ों को बता रहे हैं, तो क्या कारण है कि ये चोरी हो गई और कौन से चोर उस फाइल को ले जाके क्या करेंगे उसके बारे में बताएं। देखिए, चौकीदार की वजह से ही चोरी हुई होगी जी, बिना चौकीदार के चोरी नहीं हो सकती जी। तो या तो चौकीदार ही चोर है जी, या सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग चोर हैं जी। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री से राफेल की फाइल चोरी हो जाती है जी, सुबह हलफनामा आता है जी, और शाम को यूपी में आपस में जूते बज जाते जी। सुबह हलफनामा ये आया कि भाई राफेल की फाइल चोरी हो गई, मीडिया ने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया, एक सांसद और एक विधायक में लड़ाई हो गई, ठीक है। अब सांसद और विधायक में जो लड़ाई हुई, सवाल तो ये है कि राफेल की फाइल चोरी होने पे, भैया चोरी तो राफेल की फाइल हुई, लेकिन मुद्दा डाइवर्ट कहां हुआ? जूतों में जी। मेरा बूट सबसे मजबूत जी, मेरा बूट, बूट नहीं, मेरा बूट सबसे मजबूत, मेरा बूट। तो उस बूट का ट्रायल कर दिया इन्होंने, राफेल को दबाने के लिए जूता ही काफी है, राफेल की फाइल को ढूंढने के लिए एक जूता काफी है, दो जूते क्या लगे, वो राफेल की फाइल ही भाग गई, ठीक है, वो सबको पता है। देखिए, सवाल ये राफेल की फाइल का भी नहीं है जी। भारत के एक मंत्री विजय माल्या को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं जी, उसे भगाए जाते हैं, उसके पास 23 बक्से, बड़े बड़े 23-24 बक्से होते हैं बड़े बड़े, विजय माल्या तब भी भाग जाता है जी, ठीक है। राफेल की फाइल वो कहते हैं कि चोरी हो गई जी। उससे पहले जो 2-3 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर में सेना भवन में और पहले चोरी हो चुकी है जी। कल जो है वो सीजू कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, ठीक है। वो फाइल ऐसी तो फाइल है नहीं कि किसी भी चैम्बर में या किसी भी ऑफिस में लगी हुई हो, जाहिर सी बात है वो सीक्रेट फाइल है, करोड़ों अरबों रुपए की फाइल है। देखिए राफेल, हमारी तो सवाल ये है कि जब ये संविधान के प्रावधान चोरी कर सकते हैं तो राफेल तो है किसके हित की बोली, संविधान के मूल्यों को ये चोरी कर सकते हैं, पूरे भारत को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो राफेल की फाइल चोरी करना या करवाना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी।